Hi friends, I'm Mayim and I'm a motivation speaker and success coach. आज का टॉपिक है बी पॉजिटिव एंड बी एनर्जेटिक। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है बी पॉजिटिव एंड बी एनर्जेटिक। जब आप लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और एनर्जेटिक रहते हैं तो आपकी लाइफ में चीज़ें भी पॉजिटिवली होती हैं और आपकी लाइफ में जो एक्साइटमेंट है वो हमेशा रहती है और लोग आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना पसंद करते हैं, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। आप कहीं अपने वर्क प्लेस पर भी होते हैं तो लोग आपकी पॉजिटिव एनर्जी से, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और वो आपके साथ मिलकर काम करना पसंद करते हैं। जब आप एनर्जेटिक होंगे तो लोग आपके साथ एनर्जेटिकली वर्क करेंगे, आपके साथ एनर्जेटिकली टॉक करेंगे, आपकी बात को एनर्जेटिकली फॉलो करेंगे। अगर आप खुद एनर्जेटिक नहीं हैं, आप डाउन फील कर रहे हैं, आप ऑल द टाइम डाउन रहते हैं, सुस्त रहते हैं और पॉजिटिव नहीं रहते, तो फिर आपके इर्द के लोग भी आपसे वही वाइब्स लेंगे। आपकी जो वाइब्स होंगी वो भी वैसे ही नेगेटिव होंगी और लेजी टाइप की होगी, वो उनमें वो एनर्जी नहीं होगी। तो फिर आपको हमेशा खुद अपने आप को अंदर से एनर्जेटिक रखना होगा। जब आप एनर्जेटिक होंगे, हर वक्त फुल ऑफ एनर्जी होंगे, तो फिर आपकी वो जो एनर्जी है ना वो दूसरे लोगों को इंस्पायर करेगी और दूसरे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे और आपसे इंस्पायर होकर वो सब चीज़ें करेंगे जो कि आप उनको करने के लिए कहेंगे। तो ये चीज़ आपको, अगर आपको बिजनेस मैन है तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। आपकी बात आपके जितने भी होंगे वो बहुत अच्छे से सुनेंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो जो एनर्जी लेवल जब आपके अंदर हाई देखेंगे तो डेफिनेटली उनका भी एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, तो वो भी हाई एनर्जी लेवल के साथ काम करेंगे। क्योंकि हमेशा जो लोग होते हैं वो अपने जो उनके सीनियर्स होते हैं, जो उनके ओनर्स होते हैं, उन लोगों को फॉलो करते हैं। तो आप अगर किसी ऐसी पोस्ट पर हैं जहाँ पर आपके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो आपके अंदर वो एनर्जी होगी, तब ही आप अपने से नीचे वाले लोगों को भी इंस्पायर करेंगे तो वो लोग भी एनर्जेटिकली काम करेंगे, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा भाग दौड़ से काम करेंगे, हैप्पीली काम करेंगे। जब वो आपको एनर्जेटिक देखेंगे तो वो खुद भी एनर्जी उनके अंदर होगी। और अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो डेफ़िनेटली जब आपका एनर्जी लेवल हाई होगा तो आपके जो सीनियर्स हैं वो आपसे इंस्पायर होंगे, आपको ज़्यादा प्रमोशंस मिलेंगी, आप ज़्यादा अपनी जॉब में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ोगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की मिलेगी। तो ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जेटिक होना है इस और पॉजिटिव होना है, इससे बहुत सारी तब्दीलियाँ आपकी बॉडी में आती हैं, आपके माइंड में आती हैं, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करते हो। जब आप एनर्जेटिक होते हो, जब आप हैप्पी होते हो, जब आप मेंटली अपने आप को पॉजिटिव महसूस कर रहे होते हो, तो आप काम भी बहुत अच्छे से करते हो और फिर आपकी जो ये क्रिएटिव सेंस होती है ये भी बहुत अच्छे से काम करती है। जब आप एनर्जेटिक हैं, फुल ऑफ पॉजिटिविटी हैं, तो फिर आप क्रिएटिव वे में भी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो अगर आपका काम ऐसा है जिसमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, क्योंकि हर काम में क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, जब एक काम में क्रिएटिविटी नहीं ना रहती तो वो बोरिंग हो जाता है, वो डल हो जाता है। और जब हम बोरियत का, डलनेस का शिकार होते हैं तो फिर हम वैसे ही फील करते हैं, डल और बोर फील करते हैं। और उस डलनेस और बोरियत का जो असर है वो हमारे दिमाग पर भी होता है, हमारी हेल्थ पर भी होता है, हमारा जो बिहेवियर है उसके ऊपर भी होता है, हमारी वर्किंग पर भी होता है। तो मीन्स कि हमारी जो डलनेस होती है उसका जो अफेक्ट है वो हर चीज़ पर होता है। तो वो डलनेस कब पैदा होती है, जबकि जब कुछ नया नहीं हो रहा होता ज़िंदगी में। तो नया कब होता है, जब आप एंथुसियास्टिक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जब आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जीज ही होती हैं, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को ही अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है कि आपके अंदर एक क्रिएटिव वो सेंस जागती है, आप नई चीज़ें क्रिएट करते हैं। और जब आप छोटी छोटी नई चीज़ें क्रिएट करते हैं तो आपको उससे हैप्पीनेस मिलती है, आपको लगता है कि आप लाइफ में कुछ नया कर रहे हैं। तो वो जो न्यूनेस होती है ना वो आपको कभी भी बोर नहीं होने देती, वो कभी भी आपकी एनर्जी को लो नहीं होने देती। इसलिए आप हमेशा एनर्जेटिक रहें और पॉजिटिव रहें, इससे आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे और हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहेंगे और आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपसे इंस्पायर होते रहेंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे कॉन्टेंट को प्रमोट करें आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना रखिए ख्याल, मैं मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।